Named after the flowing waves of color that are its hallmark, the Leheria is a fabric that is closely linked to the history of Rajasthan. For hundreds of years, it was this fabric that was used to adorn the turbans of Rajput kings and warriors. Today, it is closely connected to Jaipur and the festival of Teej, celebrated with great fervor here. Each year, thousands of married women celebrate this festival wearing the customary Leheria. It is here, in workshops like this in Jaipur's by lanes, that the legacy of Leheria is continued. Mohammed Shabir's family has been working on the Leheria in Jaipur for the last 140 years. Their trace with the street goes much further back. हमारे जैसे जो पूर्वज के त्यौहार हैं जो उनके भी जो पूर्वज थे वो ये बताते थे शुरू जो लेहरिया की कहानी है वो बीकानेर से ही शुरू हुई थी सबसे पहले जो ये 1100 या 1300 के लगभग ईस्वी में गंगापुर के महाराज बीकानेर में लेहरिया बनाया गया था उसके बाद में जो बदलाव आया धीरे धीरे तो ये लेहरिया में इसमें तो हमारे दादाजी पिताजी उनके भी दादाजी या इन लोगों ने वो करा लेहरिया को इस हिसाब से जयपुर में पहले हम जयपुर के भी से भी 16 किलोमीटर दूर सांगानेर में बसावट थी उसके बाद जयपुर में हम आए गए हैं बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल टाइम डाई मेथड द प्रोसेस टू मेक द लेहरिया इज कॉम्प्लेक्स इट रिक्वायर्स ग्रेट डेक्सटेरिटी जैसे लेहरिया का बताया तीन मेंबर होते हैं इसमें 3% जो हो गए तीन मेंबर बगैर नहीं होगा इसके सबसे लेहरिया का पहला जो वो होगा रोल होने का तरीका है जो आपको बताया गया है तीन मेंबर होते हैं उसे रोल करते हैं फिर उसके बाद इस पर टाई होता है बंधाई होती है जो ज़्यादातर लेडीज़ करती है बंधाई होने के बाद डाई प्रोसेस होता है डाई प्रोसेस जेंट्स करते हैं फिर डाई होने के बाद इसको सुखाया जाता है सुखाने के बाद इसको खोला जाता है खोलने के बाद इस पर डिजाइन आती है डिजाइन जो आती है जो पहली बार वो खुल के आता है तो उसे बोला जाता है लेहरिया इसी प्रोसेस को सेकेंड टाइम क्रॉस बल देके करेंगे तो वो डॉट्स पड़ जाएंगे बारीक बारीक उस डिजाइन को बोला जाएगा मोठड़ा और तरह तरह के जो डिजाइन होंगे तो वो बंधाई के टाइम पे ही हमें डिजाइन अपने हिसाब से पहले सोचना पड़ता है कि इसमें कौन सा डिजाइन लेना है क्या करना है Earlier done only in cotton, the Leheria is today being done on a variety of fabrics, but the process continues to be the age-old one. And it is complex. Traditionally used on turbans, it was said that you could find out where a person was from by looking at his turban. Each kingdom and royal had their own signature style. जयपुर के महाराज जो पहनते तो लेहरिया मोठड़े का वो होता था जोधपुर में पहना जाता था तो जोधपुर में जालदार नगीना मोठड़े का वो होता था मारवाड़ साइड में जो लेहरिया पहना जाता है वो अलग भोपाल शाही या इसमें वो होता है इनकी पगड़ियों की बनावट भी अलग होती है The vibrant Leheria is really an intrinsic part of the land it comes from. Colorful, royal, and flowing through time.